अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मीन चैनल। पिछले 3 दिनों में 1329 रिकवरियाँ, 1095 आई थिंक केसेस और 27 डेथ हुई हैं। और एक नया रूल जो है वो लागू कर दिया गया प्रोमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो मॉल्स में और जो कमर्शियल एरियाज़ में जो प्रोमोशंस वगैरह होती थी 60% ऑफ 80% ऑफ, उनके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक नई जो है वो एक कर दिया गया है एक रूल। और उसके मुताबिक जो है साल में एक बार 3 दिन के लिए कोई भी स्टोर अपनी प्रमोशन कर सकेगा, लेकिन इसमें फर्दर क्लेरिफिकेशन आना बाकी हैं। क्या रेंज होगी, कितना परसेंट होगा, कुछ कह रहे हैं 30% होगा कुछ, ये वो मुकम्मल डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिलहाल इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, इतनी ही मैं आपको दे रहा हूँ। वीज़ाज़ का मैंने आपको बता दिया था कि नए वीज़ाज़ इशू नहीं हो रहे, और स्पेशली जो ये जो वीज़ाज़ हैं फैमिली वाले और जो टूरिस्ट वीज़ाज़ हैं और जो एक्सप्रेस वीज़ाज़ हैं, वो नए वीज़ाज़ कोई भी इशू नहीं हो रहे। एग्जिस्टिंग वीज़ाज़ जिनके हैं उन्हीं के रिन्यू हो रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि जिनके पहले से वीज़ा लगे हुए हैं क्या वो रिन्यू करवा के आ सकते हैं। जी हाँ, जिनके एग्जिस्टिंग वीज़ा लगे हुए हैं ऑलरेडी वो रिन्यू करवा के वो आ सकते हैं, लेकिन नया वीज़ा जिनका पहली बार इशू हुआ है वो लोग ट्रेवल नहीं कर सकते अब अपने नए वीज़ा के साथ भी। अब जिनके ऑलरेडी टिकट्स वगैरह बुक हुए हुए हैं वो अपनी एयरलाइन से फ़ौरन रब्ता करें ताकि उनके टिकट्स का क्या बनेगा। तो जो भी रिफ़ंड अगर करवा सकते हैं तो फ़ौरन आप रिफ़ंड करवा लें। अगर आपकी एयरलाइन कुछ और बोलती है, कोई और तरतीब बताती है, तो उस पर फ़ौरन से आप अमल कर लें, क्योंकि अगर आप एंड डेट पे पहुंच जाएंगे और नो शो हो जाएगा तो फिर आपके अच्छे खासे पैसे चले जाएंगे। तो अभी फ़ौरन जिनके आने वाली तारीखों में, जैसे किसी का 30 का, किसी का 5 तारीख का, किसी का नवंबर का टिकट है, वो फ़ौरन अपनी एयरलाइन से रब्ता करें और उनसे प्रोसीजर पूछें कि आप किस तरह से आप हमें रिटर्न बैक करेंगे, पैसे वापस देंगे, जो भी करेंगे उनसे आप तरतीब बना लें फ़ौरन, इससे पहले कि मज़ीद लेट हो। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है और इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद अपडेट्स में इंशाल्लाह आपके साथ लेकर के फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।